अभी हम आपको फर्गल से ये विजुअल दिखा रहे हैं जहाँ पर लोग तालाब का पानी पीने को मजबूर हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जहाँ पर लोग तालाब का पानी पी रहे हैं, और इन लोगों को पिछले काफ़ी समय से, करीब 3 महीने से पानी की काफ़ी परेशानी है और लोग तालाब का पानी पीने को मजबूर हैं। तस्वीरों में आप सामने देख सकते हैं ये गांव फर्गल शिवखोड़ी के साथ ही लगता गांव है और पंचायत संकट में है। प्रशासन, बीएचपी प्रशासन, एंटी क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। और आज हम शिवखोड़ी के साथ जो गांव है फर्गल, वहां पे आए हुए हैं और जहां के लोग इकट्ठा हुए हैं, इनको पिछले काफी दिनों से पानी की परेशानी आ रही है। आइए हम स्थानीय लोगों से जानते हैं कि पानी की कितनी मुश्किलात है उनको। सर, मेरा नाम मदन लाल है जी। अब हम, मेरी उम्र है 60 साल जी। हम 60 सालों का ये तालाब का पानी पी रहे हैं जी। आज भी यही पी रहे हैं। साल में 1 महीने का पानी मिलता है हमें नल का जी, बाकी 11 महीने की जरूरत है। कितनी देर से ये पानी बंद है जहाँ पे पानी नहीं मिला आपको? 3 महीने हो गए लगातार जी। और पीएचई डिपार्टमेंट की तरफ से कोई मुलाजिम वगैरह कोई पानी की सप्लाई नहीं दे रहा आपको? पीएचई वाले क्या करें, महाराज मोटरें खराब पड़ी हैं, 3 महीने हो गए, मोटर जली हुई है जी। वो अभी तक मिस्त्री नहीं बोल रहा है जी। पीएचई वाले क्या करें। मैं राजेश सिंह पंचायत संगढ़ से जी। सबसे पहले मैं एंटी क्राइम न्यूज़ का मैं वेलकम स्वागत करता हूँ संगढ़ पंचायत के अंदर जी। सर, यहाँ पर काफ़ी समय से यहाँ पर पानी की दिक्कत आ रही है, किल्लत है ये प्रॉपर तरीके से। ये परेशानी जो है काफ़ी सब लोगों के लिए है, हम सब लोगों के लिए है। और साथ में ये भी मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी हमारे संगठन पंचायत के जो मुलाजिम लोग हैं, शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड के जो वाटर सप्लाई सिस्टम के लिए उन्होंने रखे हुए हैं, तो मैं लिहाजा उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा मीडिया के माध्यम से कि वो जो हमारे मुलाइट हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो यहाँ पर लगाए जाएँ ताकि ये स्टेज जो हमारी 4-5-6 स्टेज जो है हमारी काफ़ी हिली डाउन एरिया है, वो जहाँ पर फिलअप हो जाए, ताकि ये अच्छे पढ़े लिखे मुलाजिम होने चाहिए, जहाँ पर अच्छे समझदार लोग होने चाहिए, कोई उनको चेकअप किया जाए प्रॉपर तरीके से कि क्यों फल्ट क्या है, वजह क्या है, कारण क्या है, मोटरें क्यों सड़ जाती हैं, तब बिजली क्यों नहीं आती, पानी क्यों नहीं पहुंचता है। पूरा संगठन का जो डाया है चेंज होना चाहिए। संगठन को जो है 1947 से लेकर आज तक वही पैपें लगी हुई है, वही फैसिलिटी दे रखी है गवर्नमेंट ने। हम चाहते हैं कि पूरा सिस्टम जो है संगठन का, जो पानी का, चेंज होना चाहिए। मेरा नाम जेल सिंह है जी। मैं एरिया संगठन मोड़ा फर्गल का निवासी हूँ जी। जी, देखा जाए तो सबसे बड़ी जहाँ पे प्रॉब्लम है बिजली, पानी और मेडिकल फैसिलिटीज़ की जी। जैसे कि पानी की इतनी प्रॉब्लम है, कई बार महीने लग जाते हैं, कई बार साल लग जाते हैं, पानी हमें नहीं मिलता। जहाँ से 20 किलोमीटर दूर तक हमारी घर की लेडीज़ अपने सिर पे उठा के बड़े दूर से पानी लाती हैं बेचारी, और माल मवेशी की तो पूछो ही मत, वो बेचारे तो कहीं ऐसे मर जाते हैं। और पानी की बड़ी प्रॉब्लम है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हम धन्यवाद करते हैं कि आप एंटी क्राइम न्यूज़ वाले हमारे पास आए हमारी प्रॉब्लम सुनने के लिए, आपका बड़ा बड़ी मेहरबानी। और देखा जाए तो बिजली का तो बिल्कुल साधन नहीं है, कोई भी बारिश या कोई हवा चलती है, पोल्स भी बिल्कुल ऐसे ही नॉर्मल तरीके से लगाए हुए हैं तो वो बिजली काट देते हैं। हम पढ़े हैं, ग्रेजुएशन की है मैंने, लकड़ियाँ जला जलाकर अंधेरे में बड़ी मुश्किल से जहाँ से 100 किलोमीटर दूर जाकर पढ़े हैं हम। तो सबसे बड़ी और प्रॉब्लम आ जाती है मेडिकल फैसिलिटीज़ की। मेडिकल फैसिलिटीज़ का तो यह है कि अगर कोई हमारा बीमार हो जाता है तो उसको जहाँ से 20 किलोमीटर तक उठा के लेना पड़ता है, तो 20 किलोमीटर रास्ते में क्या पता बेचारे का क्या हो जाए। जो सबसे बड़ी बात यह है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ ज़्यादा नहीं हो तो, लेकिन थोड़ा बहुत तो होनी चाहिए। लेकिन हमारा जो संगठ गांव है बिल्कुल पिछड़ा हुआ एरिया है, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी भी सुनवाई सुनी जाए, और हम गुजारिश करते हैं अपनी सरकार से कि हमें बैकवर्ड समझ के पीछे करते हैं हमेशा, लेकिन हमारा भी कुछ हक बनता है। क्या हमें बिजली, पानी, मेडिकल फैसिलिटीज़ का कोई हक नहीं है? हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका कि आप हमारी पास सुनवाई करने आए, और बड़ी मेहरबानी एंटी क्राइम न्यूज़ की जी। धन्यवाद एंटी क्राइम न्यूज़ का जी। और सर, बड़ी प्रॉब्लम है जहाँ 2 महीने से पानी बंद है जी। 2 महीने से कोई ठीक करने वाला कोई नहीं है। पीएचई वाले जो है बिल्कुल बस कर गए हैं जी। और 2000 आदमी जो है प्यासा मर रहा है, ना पानी है ना बिजली है जी, कोई भी नहीं है। हम हर एक आदमी के पास जाते हैं, बोलते हैं हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, महकमे वाले बिल्कुल स्कीम को जीरो कर दिया इन्होंने। और अभी जो गांव वाले हैं वो पानी कहाँ से इस्तेमाल कर रहे हैं? पानी सर यही है, अपने तालाब का पीते हैं जी। तालाब का पानी या गंदा पानी है, क्या करना, पानी जहाँ 2 महीने से आया नहीं है पूरी दुनिया। फर्गल में लोगों से जाना, लोगों ने कहा कि जहाँ पे पानी की बहुत मुश्किलात है, काफ़ी समय से 3 महीने से लोग तालाब का पानी पीने को मजबूर हैं, और ये रणसू शिवखोड़ी के साथ में ही गाँव है फर्गल। आज हम वहाँ पे आए हुए। जमीत सिंह, एंटी क्राइम न्यूज़, फर्गल।